गेट चौक पे इस समय हम खड़े हैं, और अगर यहाँ से मैं बात करूँ चारों दिशाओं की ओर जाने वाली मार्ग की, तो हर तरफ आप भगवा झंडा, श्री राम जी के नाम का जो झंडा है वो आप देख पाएंगे। बाजार को सुंदर सजा दिया गया है, छोटी काशी को सजा दिया गया है। ये सभी दुकानदार जो साथी हैं वो हमारे, वो इस समय यहाँ आज एकत्रित किए गए हैं, और इनसे आज हम बातचीत करना चाहते हैं, और इस ऐतिहासिक क्षण के हम इन्हें गवाह बना देना चाहते हैं। ये अपने बाजार को सजा चुके हैं, और आने जाने वाले जितने लोग हैं उन्हें भी ये प्रेरित करते नज़र आ रहे हैं। हर किसी को, यहाँ से गुजरने वाले को एक बार फिर से छोटी काशी के जैसे ये दर्शन श्री अयोध्या जी की भांति करवा रहे हैं। जिस प्रकार से अयोध्या जी की गलियों को आप आज देख पा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार आप होशियारपुर को भी देख पाएंगे, और मुख्यतः इस बाज़ार को, जिस बाज़ार को शहर की धड़कन कही जाती है या शहर का जो दिल है, ये वो दिल है। काकू जी, क्या कुछ उद्देश्य रहा है शहर को सजाने के पीछे? देखिए जी, हमारे लिए सबसे गर्व की बात है, हमारे हिंदू समाज के लिए, हमारे सभी के लिए, आज 22 जनवरी हमारे लिए सबसे बेहतरीन, हमारी आस्था का प्रतीक प्रभु राम का मंदिर माना है, उसकी खुशी में हम, जिसको छोटी खांसी होशियारपुर कहा जाता है, उसमें होशियारपुर का दिल गोरा गेट है, और गोरा गेट मेरे सभी ये दुकानदार भाई मेरे साथ हैं। बाजार को पूरी तरह से सजा दिया गया है, यहाँ से निकलने वाली हर शोभा यात्रा का स्वागत किया जाएगा, हर शोभा यात्रा में दूध का वितरित किया जाएगा, 3100 दीयों के साथ दीपमाला की जाएगी, उसके साथ हर दुकान पर आपको दीपमाला करते हुए नजर आएंगे। ये हमारे दुकानदार जो भाई हैं, ये सभी हर्ष और उल्लास के साथ प्रभु राम का मंदिर का निर्माण के संबंध में सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर दुकान बाजार हम सजाएंगे जी। क्या बात है, बहुत सुंदर। सर, एक मिनट सर, क्या नाम है आपका? उज्जवल। अरे उज्जवल, क्या बात है, जैसे उज्जवल नाम है वैसे उज्जवल काम है आपके। उज्जवल जी, क्या कहना चाहेंगे आज? चारों भाइयों के नाम ही बता दीजिए। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। क्या बात है, बहुत सुंदर। उज्जवल जी, सर क्या नाम है आपका? अनिल जैन। अरे जैन साहब, फिर मिल गया अनिल जैन जी, बहुत सुंदर। तो बहुत सुंदर जैन साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज आप? बड़ी खुशी का माहौल है जी, जन जन में राम का नाम है शुरू से ही, और गोरा गेट बड़े हर्ष उल्लास से राम जूनी जन्म भूमि का जो उद्घाटन होना है, उसका बहुत खुशी की लहर दौड़ रही है सब में। बहुत सुंदर सर, मैं चाहूंगा कि राम जी के पिताजी का नाम आप हमारे दर्शकों को जरूर बता दीजिए। राजा दशरथ जी। क्या बात है, राम नाम सब कोई जपे, दशरथ जपे ना कोई। सो सर, पहले तो हमारे दर्शकों को आप अपना भी नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम पंकज शर्मा, सारे जय श्री राम जी। हाँ शर्मा जी, राजा दशरथ जी की कितनी धर्म पत्नियाँ थी, कितनी रानियाँ थी, इसके बारे में आप बता दें। सर उनकी 3 रानियाँ थी। हाँ। पहले माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। क्या बात है, और क्या कहना चाहेंगे आज आप? सर आज जो 22 तारीख को है वो बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन होना जा रहा है, जो कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर है जो बनने जा रहा है, और उसके खुशी में सारा देश क्या, सारी दुनिया ही झूम रही है, इतना भव्य मंदिर बनने जा रहा है श्री राम का। इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई, सभी जो भारतीय हैं, वो सभी भारतीय सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, कोई भी बाहर का नहीं है, और जो सनातन की जय हो रही है वो सबसे ज़्यादा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर आइए, आगे आइए भाई साहब, ये युवा चेहरे हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जी कशिश। कशिश जी, कशिश जी, राम जी के भक्त के रूप में किन को जाना जाता है? हनुमान जी को जी। अरे वाह, क्या बात है, हनुमान जी को। क्या कहना चाहते हैं कशिश आज? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये राम मंदिर बन रहा है, हमने तो हमारे जो बड़े हैं, हमने यही सुना है कि हमारे बहुत सारे बुजुर्गों ने इस मंदिर के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, हम भाग्यशाली हैं कि हम इस मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं, और हमारे अंदर बहुत ही हर्षोल्लास है कि हम ये मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि एक हिंदू जागरूक हो चुका है, और वो इस मंदिर को बनते हुए बहुत ही खुशी से देख रहा है। हर घर में मंदिर झंडा लग रहा है, हर घर में दीपमाला होगी, और इधर गोरा गेट में भी सभी दुकानदार दीपमाला करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ आइए सर, आइए सर। सर पहले तो अपना नाम हमारे दर्शकों को बता दीजिए। पंकज गर्ग। गर्ग साहब, क्या कुछ कहना चाहते हैं आज? ये साढ़े लिए बड़ा उत्साह का दिवस है जी, इनू असं एक त्यौहार के रूप में मनावे 22 जनवरी
साढ़े गोरा गेट शीश महल बाजार के सारे दुकानदार बड़ा उत्साह साढ़े च गोरा गेट दीपमाला की जाएगी 22 जनवरी को जड़ी साड़ी दीपमाला होएगी पूरे शहर जगमा पता लगेगा कि हुई दीपमाला और लंगर भी लगाया जाएगा साढ़े गर्ग साहब तिलक लगाया हुआ है आज आपने ये केसरिया तिलक है इसके पीछे भी कोई कारण है क्या ये साढ़े सनातनी धर्म की निशानी है जी क्या बात है कि सानू लगाना चाहिए है जिन्हें साढ़े सनातनी है मेरी तो उन्होंने सारे अपील है कि सारे तिलक जरूर लगाया करो साड़ी इतना ही पता लगता कि अभी सनातन धर्म के बंदे हैं बहुत सुंदर हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है गर्ग साहब हनुमान जी हम देखते हैं पूरा लेप लगाया जाता है उन्हें सिंदूर का हाँ गर्ग साहब बताएंगे सीता माता उन्होंने खुश किया सीता करके बहुत सुंदर और थोड़ा सा और भी हम अपने दर्शकों को भी बताने का प्रयास करेंगे सर जी बताइए क्या कारण था जी सीता माता को उन्होंने वो कहते थे कि सीता माता क्यों सिंदूर लगाती हैं क्योंकि राम जी को वो बहुत पसंद था हनुमान जी ने माता सीता जी से पूछा कि माँ आप ये सिंदूर क्यों लगाते हैं क्योंकि वो सिर्फ इतना सा तिलक लगाती थी सीता माता तो उनको लगता था राम जी उनको इतना प्यार करते हैं तो उन्होंने कहा मैं अपने पूरे शरीर पर ये लगा लूंगा तो और भी ज्यादा वो करेंगे सर, क्या नाम है आपका मेरा नाम निखिल बजाज है जी अरे बजाज साहब तालियां बजा दीजिए बजाज साहब जय श्री राम जय श्री राम सर क्या शुभ नाम है आपका रमन हाँ रमन सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर आदमी को जो मोदी जी ने किया है जो 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 स्टेप किया है मैं नहीं सोच सकता कोई और भी इतना कोई प्रधानमंत्री होता तो इतना अच्छा मंदिर बनता या ऐसे जिस तरह इन्होंने प्रेजेंट किया तो वो मेरा उम्मीद है कि कोई भी नहीं कर सकता जितना इन्होंने अच्छा मंदिर बनवा दिया और हिंदुओं के लिए बाकी भी जो संगठन हैं उनके लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं राम जी को वनवास कितने समय के लिए हुआ था और क्यों हुआ था 14 साल के लिए वनवास हुआ था क्योंकि उनकी जो अपने दशरथ जी की रानी थी उन्होंने उनसे वचन लिया था इसलिए उन्होंने जैसे बोला 14 साल के लिए वो उन अपने पिताजी के कहने के मुताबिक चले गए एक आदर्श पुत्र के रूप में उन्होंने पिता के आज्ञा का पालन किया सर क्या नाम है आपका संजय कुमार जी संजय कुमार जी हाँ क्या कुछ कहना चाहते हैं सर आप ये मंदिर बन गया बहुत 500 साल वेट की हमने बहुत बढ़िया बनिया मंदिर मौका मिला हम देखने भी जाएंगे दर्शन करने जाएंगे फिर ये इतिहास हम गवाह बनने जा रहे हैं भगवान की कृपा हुई तो हम देखने जाएंगे जरूर क्या बात है कृपा अयोध्या में जाएंगे बजाज साहब क्योंकि कृपा वो जय श्री राम जय श्री राम हाँ जी पंडित जी राम राम जी सभी देशवासियों को राम मंदिर बनने की बहुत बहुत खुशी और जो लोग कह रहे हैं कि शीतलहर चल रही है यहाँ हुशियारपुर में तो मुझे पता नहीं शीतलहर चल रही है पर सभी के दिलों में राम लहर चल रही है जय श्री राम शीतलहर पे कटाक्ष करते हुए राम लहर की उपाधि दे दी गई है और ये सच्चाई जो है सत्यता जो है उस पर बात कर रहे हैं चंदन है इस देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम है हर बाला देवी की प्रतिमा और बच्चा बच्चा राम है सो आज आप सबको पूरा नाम हमारे दर्शकों को बता दीजिए मेरा नाम संदीप जग्गी है जी हाँ संदीप जग्गी जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं खुश हैं क्या कारण है सानू सारे ने बताना बाई तरीक करके बहुत ज़्यादा खुशी है साड़ी पूरी पूरी तैयारी है देखो साढ़ा चौंक देखा है पूरा सजाया है सर पूरे चौंक को सजाया गया है पूरे बाजार को सजाया गया है इसके सजावट के पीछे भी कोई विशेष कारण रहा 22 तारीख सभी को मालूम है मालूम पाने जी 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 ठीक है जग्गी जी ये बताइए कि लंका पर विजय पाने के लिए एक ब्रिज का निर्माण किया गया था उस ब्रिज का क्या नाम था राम सेतु अरे वाह क्या बात है राम सेतु और राम सेतु का निर्माण करने वाले इंजीनियर का क्या नाम है सभी को मालूम है नालो नीर अरे वाह बहुत खूबसूरत सभी को नहीं मालूम है सभी को हमें बताना पड़ता है हमें अपने सनातन की संस्कृति के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा क्योंकि अगर हम नहीं बताएंगे तो शायद ये इतिहास धीरे धीरे अलोप हो जाएगा राम जी के सबसे बड़े भक्त कौन माने गए हनुमान जी हनुमान जी जी और राम जी के साथ वनवास जाने वाले और कौन कौन थे जिन्होंने राजपाट छोड़ करके वनवास जाना स्वीकार किया लक्ष्मण भैया सीता माता और लक्ष्मण भैया जी जी तो बहुत सुंदर और कितने वर्षों तक उन्होंने वनवास 14 वर्षों तक जी 14 वर्षों तक और वनवास के पीछे क्या कारण रहा था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी रहे और किस राक्षस से इस पूरे धरती को बचाया गया रावण से जी जी बने और उनका उद्धार भी बहुत जरूरी था जिसलिए वनवास हुआ जी जी तो बहुत सुंदर मैं आपका देखिए जी धन्यवाद करता हूँ और इस तरह से हनुमान जी के पुत्र के बारे में भी आप जानते हैं हनुमान जी के पुत्र को भी बताया गया आपको या पढ़ा आपने कभी
नहीं। हनुमान जी ने ब्रह्मचार्य का पालन किया, परंतु उनके पुत्र के रूप में भी किन्हीं को जाना जाता है, उसके बारे में भी हमने जानना है, बच्चों को भी बताना है, हमने लोगों को भी बताना है कि मकर ध्वज उनके पुत्र के रूप में जाने गए और मकर ध्वज हनुमान जी के पुत्र रहे, जिन्हें अहिरावण ने अपना सेनापति, अपना द्वारपाल भी उन्होंने नियुक्त किया था। अहिरावण बहुत शक्तिशाली योद्धा थे। ठीक है, ये चीज़ें भी हमने बतानी है और धीरे धीरे काकू भैया हमने ये भी प्रयास करना है कि अपने सनातन संस्कृति के बारे में छोटे छोटे एपिसोड जरूर चलाएं, जिस तरह से आप लोगों ने झंडे का उत्सव चलाया है ऐसे बच्चों के लिए भी उत्सव चलाएं। उसके साथ मैं एक बात और जुड़ूंगा जी, आप जैसे पत्रकार वो जो बिल्कुल पत्रकारी करते हैं बेहतरीन तरीके से, हमारा सनातन धर्म को ऊपर ले जा रहे हैं, हम आपका भी धन्यवाद करते हैं, आपके की हुई पत्रकारी और आपका एक एक शब्द हमारे हृदय में रहता है। जय श्री राम, जय श्री राम, थैंक यू सो मच। और ये बाजार में दिखा रहा था और भी झंडे कहाँ कहाँ लगाए गए हैं जरा घुमाइए काकू भैया, जरा दिखाइए दृश्य। और मैं बात करूँ कि बाजार के दृश्य का, तो वो दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा और साथ में हमारे काकू भैया देखिए, दूर तक अगर हम नज़र दौड़ाएं तो दूर तक झंडे लगे हुए हैं जी, वो जिसके पास झंडा ना मिले वो हमारे केके टेलीकॉम, जग्गी टेलीकॉम पे आके फ्री में झंडा ले जा सकता है। अच्छा, एक बड़ी अनाउंसमेंट आप कर रहे हैं, जिन्हें झंडा ना मिले वो आपसे हमारे से फ्री में लेके जाए, वो अपने घर में अपनी दुकान पर सजा कर रखे, मुफ्त में वो उनको झंडा दिया जाएगा ताकि ये जो उत्सव है, ये जो महापर्व है वो अच्छी तरह से मनाया जा सके, वो मनाया। और उसके साथ ही जो भी जहाँ से शोभा यात्रा निकल गया उसका स्वागत किया जाएगा, उसमें विशाल वितरित किया जाएगा, सोमवार को हर दुकानदार पर लड्डू बांटे जाएंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर है। और दूर तक जहाँ तक हमारे कदम चल रहे हैं वहाँ तक हम ये झंडे देख पा रहे थे, कितने दिनों की मेहनत है सर? सर ये एक आस्था का प्रतीक है जी, प्रभु राम जब तक विराजमान रहेंगे हमारे हृदय में, हम ऐसे ही मंदिर और ये गलियों को और ये ऐसे ही सजाते रहेंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर गलियां सजा दी गई है, आप कतई ये इस भ्रम में रहेंगे कि हम अयोध्या जी के ही गलियों में घूम रहे हैं, प्रभु राम तो होशियारपुर की गलियां हैं और यहाँ आप बिल्कुल अयोध्या जी जैसा माहौल देख पा रहे हैं। दूर दूर तक भी अगर हम नजरें लेकर चलें तो यहाँ पे बहुत ही मनोरम स्थान बना हुआ है। साथ जुड़ गए हैं प्रसिद्ध समाज सेवी हैं दर्पण गुप्ता जी। गुप्ता जी, पूरे बाजार को सजा दिया आप लोगों ने, क्या कुछ इसके पीछे आपकी सोच काम कर रही है? पांडे, जैसा कि आप जानते हैं ये हमारे हिंदुओं के लिए सबसे सौभाग्य का दिन है, ये जो दिन है हमारी किस्मत में लिखा था, हमारे पूर्वज इस दिन को देखने के लिए कई हमारी पीढ़ियाँ चली गई। आप देख रहे हैं हरेक के दिमाग में, हरेक हिंदू के दिल में उत्साह भरा हुआ है, ये हमारे जीवन में पहली बार हुआ है जब दिवाली हम दो बार मना रहे हैं। आप इधर बाजार की तरफ गौर करके देखेंगे, बाजार पूरा ऐसे सजा हुआ है जैसे कोई नई दुल्हन सजती है, क्योंकि इस समय हर को दिल में है जो ये 22 तारीख की दिवाली आ रही है उसको हम और ज़्यादा हर्ष से मनाएं। अकेली अकेली दुकान सजेगी, अकेला अकेला घर सजेगा, गौरा गेट चौक में 3100 दीपमालाएँ होंगी, उसके बाद हमारे बाजार में, हमारे एरिया में कम से कम 10 जगह भंडारा लगाया जा रहा है। ये जो चीज़ हो रही है किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ये हमारे पास खुद लोग आ रहे हैं, वो कहते हैं हम ये करेंगे, हम ये भंडारा लगा रहे हैं, हम पर्दे लगा रहे हैं, हम झंडे लगा रहे हैं, ये एक मानो एक नया त्यौहार के रूप में ये सभी के दिल में उठ रहा है। क्या बात है, तो क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं आप पूरे राष्ट्रवासियों को? देखिए, ये जो त्यौहार है इसके लिए संदेश देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर किसी के बच्चे को भी बुला के पूछेंगे तो वो बोलेगा जय श्री राम। अभी हर एक बच्चे के दिमाग में, हर एक के दिल में एक ही नारा गूंज रहा है, जय श्री राम। ये जो त्यौहार है, ये जो दिन आया है, ये इतने हर्षोल्लास से मनाया जाएगा, सब दुनिया पूरा विश्व देखता रहेगा इसको। क्या बात है गुप्ता जी, ऐतिहासिक क्षण के आप गवाह बन रहे हैं। बिल्कुल, हम गवाह बन रहे हैं, कई पीढ़ियां इस क्षण के लिए इंतजार में चली गई। खुशी का दिन है, आज हमारे प्रभु राम जी विराजमान हो रहे हैं 22 जनवरी को, सारे हिंदू समाज को, हमारी सबको बहुत बहुत बधाई हो। जय श्री राम जी, बहुत खुशी हो रही है कि 22 जनवरी को हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, श्री राम जी का इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, ये मोदी जी की कृपा से हुआ है, बहुत खुशी हुई है, सारे हिंदू समाज को मेरी तरफ से मुबारक हो जी। जय श्री राम, 22 जनवरी को अवध नरेश का अवध प्रवेश हो रहा है जो हम हिंदुओं के लिए बहुत ही बड़ी बात है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
एक आलिया गोरा गेट से राम जी के 22 जनवरी को उद्घाटन समारोह में गोरा गेट में प्रोग्राम करवाया जा रहा है। आप सभी को बढ़ चढ़ कर निमंत्रण दिया जा रहा है, जहां दूध का लंगर लगेगा। जय श्री राम। दूध में बादाम भी डाला जाएगा, ये बताइए। हाँ, दूध में बादाम केसर भी डाला जाएगा। जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ आप अपना नाम जरूर हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मैं अशोक कुमार होशियारपुर से बोल रहा हूँ। राम मंदिर बनने की हमें बहुत खुशी है और हम सभी देशवासियों को इसकी बधाई दे रहे हैं और इसका क्रेडिट जो है मोदी को जाता है। मोदी ने हमारा जो है संकल्प पूरा किया है। और सर मैं चाहूँगा राम जी के किसी आदर्शों के बारे में अगर आप विद्यार्थियों से अपील करना चाहते हैं तो वो भी जरूर बताइए। हाँ, रामचंद्र जी ने हमें जो भाईचारा बताया है, भगवान राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और भरत ने, और कहीं नहीं मिलता। जैन साहब, ये दिए आप बेच रहे हैं? हाँ जी। तो जैन साहब, दियों की कीमत क्या रखी है आपने? 20 रुपये दर्जन। 20 रुपये दर्जन? दर्जन, क्या बात है। और जैन साहब, कितने दिए आपने बेच दिए अभी तक? 12 बेचता भैया। अच्छा, 12 दिए। कितने दिन तो बेच रहे हैं? बस साल हो गया बेचता भैया। पूरे साल से आप दिए बेच रहे हैं मिट्टी के? और अच्छा, अभी तो दिवाली है नहीं, तो फिर आप दिए क्यों बेच रहे हैं? रामचंद्र जी बेच भी। अरे वाह, ऐसा बहुत चतुर है आप व्यापारी, वाह क्या बात है। तो राम मंदिर के निर्माण से जितने लोग हर्षित हैं वो दिए जलाएंगे और एक बार फिर से दिवाली मनाई जाएगी। तो जैन साहब की दिवाली तो अभी लग गई है क्या? अगले साल दिवाली मंदिर है, दिवाली बाद साल बाद लगते थे। साल के बाद? हाँ जी। और सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजीव शर्मा है। शर्मा, ये मेरी दुकान है, शुभम फुटवेयर। हमें बहुत खुशी है कि राम मंदिर बन रहा है। देशवासियों को बहुत हम मुबारकबाद देते हैं कि ये राम मंदिर बन रहा है। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत ही बहुत अच्छा बंदा। मेरे दीवे, क्या बात है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, थैंक यू। पहले तो अपना नाम सर बता दीजिए। मेरा नाम आशिम अग्रवाल। हाँ अग्रवाल साहब, क्या कुछ कहना चाहते हैं आज इतिहासिक क्षण पर? कुछ नहीं, जो मोदी जी ने करता, प्रभु राम साढ़े विराजमान कराते, ये तो ऊपर कुछ नहीं हैगा। जय श्री राम। क्या बात है अग्रवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या शुभ नाम है आपका? उमेश गुप्ता। हाँ, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं हीराकलोनी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से कहना चाहता हूँ कि जो ये काम हो रहा है बहुत अद्भुत काम हो रहा है, और हमारी सोसाइटी पूरे हीरा कलोनी सोसाइटी जो है पूरे में ध्वज लगा रही है। रात को संगीत में कीर्तन हो रहा है और पूरी सोसाइटी आनंद भोर मंगल हो रहा है। दोस्तों, आपका स्काइसी ऑयल, ये ऑयल पूरा 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। इसके अंदर टोटल नेचुरल हर्ब्स पड़े हुए हैं, कोई केमिकल नहीं है इसमें। जरूर इसको एक बार आप यूज करें, आपके मन को शांति होगी कि आज तक ऐसा प्रोडक्ट हम लोगों ने नहीं देखा। स्काइसी ऑयल।